तो दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में कोई ऐसी बाइक लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको कंफर्ट भी काफ़ी बेहतरीन मिले और आपको माइलेज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले, तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक ऐसी ही बाइक जो कि है बजाज कंपनी की 2022 मॉडल न्यू बजाज प्लेटिना 110 का डिश मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इसका जो कंपनी ने नाम दिया ना, इसका जो सब टाइटल दिया गया है, कम्फर्ट नाम ही दिया गया, और साथ ही साथ इसमें आपको जो कम्फर्ट के साथ साथ इसकी जो माइलेज देखने को मिलती है वो भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। इसे हम लोग माइलेज का बाप भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में बजाज कंपनी की तरफ से इसमें आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसका जो प्राइस है ना 2022 में बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं कि बजाज प्लेटिना 110 के डिस मॉडल में आपको क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ 2022 में इसकी जो प्राइस चल रही है वो आप लोग को कितनी देखने को मिलेगी, और आप लोग को एक्सोरूम प्राइस के साथ साथ आपको ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में बजाज प्लेटिना 110 का डिश मॉडल लेने जाते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट प्राइस कितना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को 2022 में माइलेज अच्छी चाहिए, कंफर्ट वाली बाइक चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अंदर से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आपको ES मॉडल में आपको 6 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कॉकटेल वाइन रेड ऑरेंज कलर, जो कि काफी प्रीमियम लगती देखने में। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के सबसे पहले चेंज के बारे में, जो कि इसके प्राइस को देखने को मिलता है, तो दोस्तों अब इसकी जो प्राइस है ना 2022 में 2 से 3 हजार रुपए बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के एक्सोन प्राइस के बारे में। तो गौर करिएगा, प्लेटिना 110 ES मॉडल में आपको 2 मॉडल देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है ड्रम मॉडल, जिसकी एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 64,166 रुपए, यानी कि 64,166 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल निकल के आता है वो आता है डिश मॉडल, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो एक्शन प्राइस निकल के आ रही है 2022 में वो निकल के आ रही है 68,320 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, कंप्लीट बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसका जो ड्रम मॉडल पड़ेगा वो आपको लगभग पड़ेगा 77,000 से 80,000 के बीच में, यानी कि 77,000 से 80,000 के बीच में आपको इसका ड्रम मॉडल देखने को मिल जाता है। और इसका जो डिश मॉडल पड़ेगा वो आपको लगभग पड़ेगा 81,000 से 85,000 के बीच में, यानी कि 81,000 से 85,000 के बीच में आपको प्लेटिना 110 का ES मॉडल का डिश मॉडल देखने को मिल जाती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसकी जो प्राइस है ना 2 से 3 हजार रुपए बढ़ चुकी है इसके 2022 मॉडल में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है, हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 135 mm का ट्रेवल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के ऊपर कंफर्ट लिखा हुआ मिल जाता है, यानी कि इस बाइक में आपको काफी अच्छा कंफर्ट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के ऊपर एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको ESB सिस्टम मिल जाता है। सस्पेंशन के दोनों साइड में आप देख सकते हैं येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, ये इसका डिश मॉडल है, तो इसमें आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद ESB सिस्टम के साथ, यानी कि अगर आप लोग रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका जो फ्रंट ब्रेक है ना वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है ना वो आपको स्लिप नहीं करेगी। तो इसमें आपको ब्रेकिंग क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। तो दोस्तों, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है, जो कि काफी बेहतरीन बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, इसके फ्रंट से लुक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके फ्रंट के लुक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखिए, हेडलाइट के दोनों साइड में देखते हैं व्हाइट और रेड कलर में ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। हेडलाइट के इस साइड में देख सकते हैं वही सेम ग्राफिक्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वाइजर मिलता है वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। इसकी जो पूरी बॉडी मिलती है आपको रेड और ऑरेंज कलर में मिलती है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वॉक मिलता है, 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, हेडलाइट के जस्ट ऊपर आप देखते हैं LED DRL लगाया गया है। और इसका जो हेडलाइट मिलेगा वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब मिलता है विद LED DRL के साथ। तो दोस्तों, इसकी जो हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है, इसकी जो रोशनी है ना, आपको पहले की तरह देखने को मिलेगी, यानी कि इसके हेडलाइट में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ देख सकते हैं इसका जो साइड से लुक निकल के आ रहा है इस ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स की वजह से काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसके लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखते हैं पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, लो बीम हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल बार पे भी देखते हैं कंफर्ट लिखा मिल जाता है। इसका जो साइड मिरर मिलेगा वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन में भी देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों, इसका जो साइड मिरर है वो पहले से थोड़ा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, राइट हैंडल बार पे आप देखते हैं हेडलाइट कंट्रोलर स्विच मिल जाता है, नीचे आप देखते हैं सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसमें कोई स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक
के मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल मीटर कंसोल में आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, क्लॉक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी इग्निशन ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बाइक शोरूम में खड़ी है, बैटरी ऑन नहीं है, इसलिए हम आपको इसके मीटर कंसोल को ऑन करके दिखा नहीं सकते हैं। तो इसके मीटर कंसोल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको पहले ही डिजाइन में देखने को मिलता है, जो कि काफी पतला फ्यूल टैंक लगाया गया है। यहाँ पे आप देखते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर प्री इंस्टॉल टैंक पैड लगाया गया है, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के दोनों साइड में देखते हैं गोल्डन कलर में आपको 3D में आपको प्लेटिना का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों इस प्लेटिना के लोगो की वजह से इसका जो लुक निकल के आता है ना, काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट और रेड और ऑरेंज कलर की इसकी जो बॉडी मिलती है ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो दोस्तों आप लोग को इसकी बॉडी कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 11 लीटर की, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको रिजर्व ऑन ऑफ करने का स्विच अभी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्यूल गेज अभी भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है, तो इसमें आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है। इसमें से BS6 अपडेट के बाद कार्बोरेटर सिस्टम हटा दिया गया है। इसमें आपको जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलता है, वॉक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलेगा। तो अब इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो आपको इसका माइलेज बता देते हैं, तो ये बाइक माइलेज के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। तो इसमें आपको 65 से 70 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। और अगर आप इस बाइक को इको मोड में राइड करते हैं तो ये आपको 70 से 75 का भी माइलेज देखने को दे देती है, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। और वहीं अगर हम बात करें इस बाइक के थोड़े से इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन मिलेगा वॉक मिलता है 115.45 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 DTSI इंजन मिलेगी। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6.33 kW का 7000 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 9.81 Nm का 5000 RPM पे। इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिलेगा वॉक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको 50 mm का बोर मिल जाता है, स्ट्रोक जो मिलेगा वॉक मिलता है 58.8 mm का स्ट्रोक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के इंजन की बात। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसको जो सीट मिलती है ना, आपको पहले की तरह काफी लंबी और काफी कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती है, जिसको लेके आपको पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सीट के ऊपर देख सकते हैं कंफर्ट की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो बाइक है ना, कंफर्ट के नाम से ही जानी जाती है, तो इसके सीट में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पिलियन ग्रेविल मिलेगा आपको बॉडी कलर में नहीं मिलता है, वो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है, जो कि काफी मजबूत ग्रेविल लगाई गई है। और यहाँ पे देखिए साइड में देखते हैं काफी अच्छी ग्राफिक के साथ एज गियर लिखा मिल जाता है, 110 लिखा मिल जाता है ग्रीन और व्हाइट कलर में, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों ये जो ग्राफिक्स है ना, इस बाइक के लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको जो पिलियन फुटेज मिलेगा आपको रबर फुटेज मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसमें आपको लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये डेली कम्यूटर बाइक है तो इसमें आपको लेडी फुटेज देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज होती है ना, वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर से लुक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके रियर प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको डेली कम्यूटर बाइक वाला लुक देखने को मिलता है, जो कि आपको पहले भी देखने को मिलती थी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर टेल लाइट मिलेगा वही सेम आपको 21/5 W का बल्ब टेल लाइट मिल जाता है, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा वही सेम आपको 10 W का बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के दूसरे साइड से। तो यहाँ पे देखिए इस साइड पैनल पे देख सकते हैं काफी अच्छे ग्राफिक के साथ एच गियर 110 लिखा मिल जाता है ग्रीन और व्हाइट कलर में, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों ये जो व्हाइट रेड ऑरेंज कलर के साथ इसकी जो बॉडी देखने को मिलती है, ग्राफिक्स मिलती है, आप लोगों को कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिलता है SOS विद नाइट्रॉक्स कनिस्टर रियर व्हील स्ट्रोक 110 mm का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है 110 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है अलॉय के साथ। तो दोस्तों इसका जो रियर टायर है, फ्रंट टायर है, दोनों ही आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं क्रोम में आपको देख सकते हैं इसका जो प्रोटेक्टर लगाया गया, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक के इस साइड में देखते हैं प्लेटिना का 3D एम्बल लोगो देखने को मिल जाता है गोल्डन कलर में, जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों ये तो इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2006 mm का। इसका जो हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1100 mm का। इसका जो व्हीलबेस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1255 mm का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 200 mm का, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस बाइक का जो सीट हाइट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 807 mm का। और इसका जो कार्बेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 122 kg की। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि है 11 लीटर की। तो दोस्तों
इस बाइक में आपको फीचर्स वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वही सेम आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स देखने को मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्राइस है ना 2022 में 2 से 3 हजार रुपए बढ़ चुकी है बजाज की तरफ से। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये कॉकटेल वाइन रेड ऑरेंज कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये कलर अच्छा लगा, ये बाइक अच्छी लगे, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग को माइलेज अच्छा चाहिए, आप लोग को कम्फर्ट अच्छा चाहिए, आप लोग को ऐसी बाइक लेनी है 2022 में, तो आप लोग इस बाइक को ले सकते हैं जो की काफी अच्छे माइलेज और कम्फर्ट के साथ आती है। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई डाउट है या कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग को कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है या हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो होगी वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।